आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। नवरात्रि में मां दुर्गा के भक्त मां के अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं। इस भक्ति भाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लीन हैं। मोदी ने आज असम के कामाख्या मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। चैत्र नवरात्रि की धूम देश भर में देखी जा रही है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भक्ति भाव में लीन नजर आ रहे हैं। तभी तो चुनावी समर में असम पहुंचे पीएम मोदी सबसे पहले कामाख्या देवी के समक्ष नतमस्तक हुए। पीएम ने यहां पूजा की और दीपदान भी किया। कहा जाता है कि भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है और यहां मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। वैसे माता के भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 9 दिनों तक उपवास भी करेंगे। उपवास भी ऐसा जो जल ही जीवन है के सिद्धांत पर कायम है, यानी 9 दिनों के दौरान वो सिर्फ पानी पीते हैं, अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं करते। नरेंद्र मोदी पिछले 36 सालों से नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं और इन दिनों पीएम का कितना ही व्यस्त कार्यक्रम क्यों ना हो, वो व्रत रखना नहीं छोड़ते। तभी तो साल 2014 में जब पीएम अमेरिका गए थे, तब भी माँ के भक्त मोदी ने अपनी शक्ति पूजा को जारी रखा था। माँ दुर्गा के उपासक प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति से तो अमेरिकी राष्ट्रपति भी काफी खुश थे। तभी तो उन्होंने उस वक्त डिनर में कोई मांसाहार नहीं रखा था।